आज नमस्ते सभी को। सोमवार है, नया हफ्ता है और सभी हम लोग आज अन्नपूर्णा जी को सुनेंगे। तो कुछ गाने के बारे में, कुछ शायद म्यूजिक के बारे में, कुछ नई चीज होगी या पुरानी चीज। गाने में तो सब नया पुराना सब अच्छा ही लगता है। तो आज स्वागत कर रहे हैं अन्नपूर्णा राव मैम का, जो कि भोपाल से स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, और हमें वो कुछ संगीत के बारे में, कुछ धुनों के बारे में, वो हमारे जीवन पे कैसा उनका असर होता है, शायद कुछ इस तरह का या जो उनके मन में होंगे वो बताएंगी। तो हम वी आर वेरी रेडी और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि एक नई चीज जो मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि कॉपी पेंसिल बना के रखें और प्रश्न हो या कुछ नोट डाउन करना हो तो हम कर सकते हैं। तो वेलकम वेलकम अन्नपूर्णा जी, वेलकम। नमस्ते, आप सभी को आत्मवंदन। मेरे प्रिय दोस्त, मेरी सोलमेट्स, जो भी कह सकते हैं, और जो भी यूट्यूब से सुन रहे हैं, उन सभी को स्वागत है। आज का बस रैंडमली पिक किया है, मैम ने पूछा कुछ विषय के बारे में। मैं ऐसे कुछ बहुत जानकारी नहीं रखती म्यूजिक के बारे में, लेकिन आत्मा से जुड़ी हुई बात है संगीत। आप सभी जानते हैं, मैं जो भी बोलने वाली हूँ आप सभी जानते हैं, आप सभी महसूस करते हैं, जस्ट मेरे मुंह से निकल रहे वो शब्द, और आप उस सबको आप भी साथ दे रहे हो। कैसे संगीत या म्यूजिक हमारे जीवन में एक अनसेपरेबल पार्ट बना है, जैसे हमारी हाथ है, हमारे आंख है, ये सब एक वन ऑफ दी जीवन के लिए ये वो करता है ना, सपोर्ट करते हैं। वैसे ही संगीत मानव के जीवन, चाहे मानव बोले या पशु पक्षी बोले, नेचर में सभी की, एनिमल्स बोले, सभी के लिए ये एक वो विषय है जो उसके बिना रह नहीं सकते। ऐसा हो चुका है, ऐसा ही है। तो इस विषय पे आज थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं गुरु को वंदन करते हुए पितामह पत्री जी को दिल से वंदन करूंगी, और हम सबको जोड़ने वाले जी के सर को, जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स के फाउंडर हैं, उन सभी को दिल से नमन करूंगी। और मैं एक श्लोक से शुरू करूंगी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उस नाद ब्रह्म को मैं दिल से नमन करूंगी, और माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि चरण वंदन, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पूरी ब्रह्मांड बनी है नाद के साथ, ब्रह्म नाद बोलते हैं। साइंटिफिकली भी से सोचा गया है, तो वो बिग बैंग भी हुआ था एक बिग साउंड के साथ, सुनते हैं उसको हम किसी भी तरीके से ले, ओम हम सुनते हैं कि वो एक उसी से शुरू हुआ था ब्रह्मांड, ओम नाद के साथ। और हमने वो भी किया है ना, अंजलि गोगिया मैडम का ओम वो करवा रही थी, तो हमने उसको रेसोनेट किया। बहुत लोग, मैं भी ओम वो करना, उच्चारण करना शुरू किया है डेली, उससे एक अंदर की वो फीलिंग आती है, अंदर हम खाली हो जाते हैं, फिर रिसेप्टिव हो जाते जीवन को, पूरा दिन हम कैसे उसको जीवन को ले उसके लिए रिसेप्टिव हो जाते हैं। ओम तो हमारा बेसिक है, हमारे सनातन धर्म बोले, आजकल तो सभी लोग ओम चैंट करने लगे हैं पूरे विश्व में, चाहे कोई भी रिलीजन के जुड़े हो, कोई भी एरिया से जुड़े हो, चाहे वो यूएस में रहते हो, इंग्लैंड में रहते हो, सभी उसको जानते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन भी हो चुका है ओम। तो अभी हम मान लीजिए हमारा जीवन शुरू होता है बचपन में, जैसे बेबी आती है, सभी घर में बेबी को वेलकम कैसे करते हैं, कुछ ना कुछ गाने हैं। गाँव में हम जाते हैं, या 11 दिन होता है हमारे यहाँ जो पालने में डालते हैं, 10 दिन हो गया, फिर वो माँ बेबी और उसको अंदर लेते हैं ना, वो एक मानते हैं 10 दिन तक उसको थोड़ा
वो रखते हैं, फिर 11वें दिन झूला में या पालने में डालते हैं, तो कितने गाने निकलते हैं। मैं तो इतना नहीं जानती, लेकिन हर एक गांव में, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्टर्न हो, वेस्ट हो, राजस्थान में हो, वो गाने के थ्रू ही वो रिचुअल फॉर्म किया जाता है। फिर 42 दिन होता है, मंदिर जाते, फिर वेलकम करते, तो वो गाने के साथ ही होता है। और देखिए, बच्चे को कोई भी सुला रहा हो, वो कोई भी एज का हो, माँ हो, दादी हो, नानी हो, वो बच्चे को पहचानती भी नहीं। आपके हाथ में बच्चा आया, बोले चलो मैं सुलाने की कोशिश करती हूँ, छोटा बच्चा तो हर किसी, तो मुंह से क्या निकलता है, गाना निकलता है। हमें गाना आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, म्यूजिक सीखा हो, नहीं सीखा, जो भी है, हम उसको वो कर लेते हैं। वो बच्चा वो ध्वनि से ही, वो सुर से ही वो सो जाता है, कोई भी बच्चा। मैं अभी भी मॉडर्न एज में भी मैं सुनती हूँ, बच्चा अगर आप गाना गाओगे तो सो जाता है, छोटा बच्चा है ना। इसमें कोई अंतर नहीं है, एज कोई भी हो, मॉडर्न है हम, पुराने, कुछ भी नहीं है, तो हम वो सुलाते। तो और फिर बच्चे स्कूल जाता है, क्या बोलते हैं हम, बेटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ, बोलते, भले वो बाहर से आया हुआ हो, लेकिन ट्विंकल ट्विंकल ऐसे नहीं गाएगा ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर, नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो एक्शन के साथ बोलता है, तभी उसको भी याद होती है ना। मैडम कैसे सिखाती है, सुर के साथ सिखाती है, तो ही उसको याद होता है, चाहे वो ट्विंकल ट्विंकल हो, हमारे जमाने में जैक एंड जिल, वेंट अप द हिल, वो भी होता था। हम लोग तो खैर अपनी अपनी भाषा का सुना है, जैसे आप लोग हिंदी मीडियम के, तो हिंदी के कोई भी पोएम्स होते थे, कविता होती थी, उसको याद करते थे, वो अभी भी याद रहेगा बचपन में जो भी भाषा में हमने सुने, क्योंकि क्यों याद है वो, बताए कोई, आप लोग ही बताएं, क्यों याद है, हमने बचपन में सीखी है वो, हमारे कविता है, कोई बता सकते हैं आप जो फील करते पहले हो तो इसमें वो हम एम्प्टी थोड़ा। कप होते हैं तो इसके लिए वो याद रह जाता है, यस, लेकिन वो जो आप दूसरा बोल रहे हैं कि हम धुन के साथ किसी चीज को ना, वो एक मसल मेमोरी की तरह हो जाता है, कि मतलब हाँ सिर्फ शब्द को याद रखना या दोहे या इस तरह जो हम एक लय सी दिमाग में बना लेते हैं तो वो याद जल्दी से हो जाता है। बिल्कुल सही। और कोई कोई बता सकता है, मंजू मैम या पल्लवी ये हम मैम लोग है? हमारे जीवन का एक अंश, जैसे कि सब कुछ खाना पीना जैसे होता है, उसी तरह से गाना संगीत भी जो है हमारे जीवन का एक अंश है, जो कि मतलब कंपलसरी जैसा, जो कि हम उसको रिचुअल जैसा फॉलो करते हैं ना, तो वो जो हम रोज करते हैं वो हमारे जहन में स्थिर हो जाता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। जैसे हाँ माँ बिल्कुल, है, माँ कहती है बात करते करते हम सबको, कोई भी एक छोटा सा एक लाइन ही गा के सुना देंगे, या हमको मनाते हुए, या हम गुस्सा है या कुछ भी वैसे मनाते हुए, तो वो चीज हमारे जहन में हमेशा से रजिस्टर हो जाती है वो। और जनरली ये सब चीजें म्यूजिक फॉर्म में ही होती हैं, छोटा सा कहानी भी सुनाएंगे तो म्यूजिक फॉर्म में सुनाएंगी, तो इस तरह से जो है ये बचपन की जो भी चीजें होती हैं वो जहन में रजिस्टर हो जाती हैं और रहती हैं, वो कभी भूलती नहीं है, ऐसा मैं सोचती हूँ। आप बढ़िया मैम, बताइए। नहीं बढ़िया, यही है, मतलब कोई भी चीज अगर उसको एक धुन दिया जाए, वो बहुत अच्छे से याद रह जाता है ना, हमें चाहे कितने भी उम्र हो। जैसे वो था ना रानी लक्ष्मीबाई की, खूब लड़ी मर्दानी, वो कितना याद है, झांसी याद नहीं याद है, लेकिन याद है वो पिक्चर के साथ, हम उस उम्र में कैसे पिक्चर लिए थे। अभी भी अगर हम अपने बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहती है, तो वही गात हम सुनाएंगे, है ना। वाली किस है उसका, तो मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, झांसी रानी का वो था ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी, वो बोलते ही ऐसा जोश आ जाता है कि हम लोग भी अगर सो भी रहे तो चलो नहीं, हम काम करते हैं, है ना, ये एक वो है, उन कहानी देले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब थी। लड़ी मर्दानी वो जो झांसी वाली रानी थी, तो यस यस बुंदेलखंड की बढ़िया, थी ना, तो पूरा कहा वो पूरी इस तरह से रिदम करके बनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही जैसे हम चाहे बचपन में दे जो भी सुना है, वो अगर सुभद्रा कुमारी म्यूजिक, चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, हाँ, उन्होंने लिखा है ये। बिल्कुल, देखो अब वो चाहे हम अपार्ट कुछ भी हो, कोई भी बच्चा हो, इसको जैसे मैडम ने सुना,
हमने पकड़ लिया, बाकी सब भूल चुके हम, बहुत सारे पोएम्स थे, कविता थे, लेकिन इसको इसलिए पकड़ा कि धुन वैसा था कि वो हमारे अंतरात्मा में रजिस्टर होती है, वो बैठ जाता है कि नहीं इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय इतने रट के हमने याद किया है धुन के साथ। अगर धुन नहीं है, जैसे टेबल्स भी है, 2 1s, 2 2s, 4, हमने उस तरीके से याद किया, चाहे हिंदी की पहाड़े बोलो या जैसे भी हो। जैसे मैं को अगर मैथ करना दी, मैं कन्नड़ में याद करती हूँ टेबल्स, बड़े बड़े वो होते हैं। हमने बच्चों को सिखाया इंग्लिश में, लेकिन हम कन्नड़ में ही करेंगे ना, बहुत फास्ट कर लेते हैं, ऐसा है कन्नड़ मीडियम जो है, जहां तक हमने पढ़े हैं। तो सबके साथ यही होता है, क्योंकि उसमें एक रिदम है, लय है, ताल है, राग है, या जो भी बोले भाव है, भाव से जुड़ जाता है, तो हम उसके साथ जुड़ के उसको इंटरप्रेट करना आसान होती। बहुत सारे फिल्म सॉन्ग्स जैसे ना, जैसे हम बैठते हैं तो मेरी पोती भी बोलती दादी अम्मा मानती, क्योंकि वो जब छोटी थी हम, वो जब बुला के मुझे ज्यादा याद नहीं है, तो बस वो 2 3 लाइनें, दादी अम्मा मान जाओ, गुस्सा क्यों, ऐसे। तो ये सब हमें आजकल के, हो सकता है दूसरे नए गाने आ गए हो, बच्चे जो भी याद करते हैं, आजकल तो इतने हो गए पता नहीं बच्चे कैसे याद करते। हमारे जमाने में तो रेडियो था, बस उसके गाने थे, या फिर स्कूल्स में टीचर्स ने जो बोला वो था। आजकल तो यूट्यूब आ गई है, पता नहीं ब्लैक पिंक, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं मालूम। हमें तो आसान था, आजकल के बच्चे और इंटेलिजेंट है, और उनकी वो अलग तरीके के हैं, तो वो करते हैं। तो हम ये सब ताल लय राग भाव इंटीग्रेटेड जब होता है, वो तो हम कलेक्टिवली, वो हमारे मन में छाप छोड़ती है ना, अपनी प्रभाव छोड़ती है, तो वो हम उसका वो करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आज सुना और थोड़ी सी ही वो करी है, म्यूजिक कैन हील अवर ब्रेन, है ना। हम जानते ही हैं मेडिटेशन में आए तो पत्री जी ने कितने सुंदर तरीके से मेडिटेशन में म्यूजिक को जोड़ दिया है। अभी ऐसा लगता है ना, म्यूजिक नहीं चला तो हम मेडिटेशन में उतने अंदर नहीं जाते हैं, भले वो गाइडेड मेडिटेशन हो चाहे कुछ हो वो। और म्यूजिक कैन हील अवर हार्ट आल्सो, कितने जख्मे हैं हम, कितने जख्मे हुए हैं बचपन से अभी तक, किसी के कुछ कहने से, किसी के कुछ देखने से। कभी कभी हॉरर देखते हैं, या जीवन में कुछ घटित होता है, वो बहुत गहरा चाप छोड़ देता है, दर्द छोड़ देता है, लेकिन म्यूजिक से हम हील होते हैं। बोलते हैं ना, जो भी दुख में होते हैं उनको बोलते थोड़ा सा म्यूजिक सुनो, हम ही बोलते हैं ना चलो ये सब छोड़ दो यार, थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं हम ठीक हो जाएंगे। फिर उस जो आत्मा की अवस्था है, दिल की अवस्था है, मन की अवस्था है, ट्रांसफॉर्म होता है म्यूजिक से। और म्यूजिक थेरेपी बहुत एशियंट रूट्स है, बहुत पहले से उसको यूज किया जा रहा है, चाहे ग्रीक में हो, चाहे फिर वो इजिप्शियन वो हो, तो वो लोग भी म्यूजिक को पेशेंट्स को हील करने के लिए यूज कर रहे थे। और म्यूजिक में पावर है, शक्ति है ट्रांसफॉर्म करने की, हमारी ब्रेन सेल्स की जो भी भाव है उस वक्त की उसको ट्रांसफॉर्म करेगी, बॉडी पार्ट्स में जो भी अवस्था है उसको ट्रांसफॉर्म करने की म्यूजिक में पावर है। इसलिए तो आजकल म्यूजिक थेरेपी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ये सबसे आसान है। इसमें ना कोई दवाई दी जाती है पेशेंट को, ना उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहा है, जैसे दूसरी कुछ दवाई हम लेते बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स ये है, किसी को कुछ नींद आएगा या तो फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, इतना आसान तरीके से हील हो जाएगा। और बहुत सारे इसके पॉजिटिव रिजल्ट ही देखा गया है, नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं मिला है अभी तक। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी म्यूजिक को यूज किया गया था, जैसे वो तो एकदम से हुआ था ना, आजकल की वॉर तो पहले ही होता है, क्या बोलते हैं रशिया और उसमें होने वाला है, होने वाला युद्ध, फिर हुआ तो थोड़ा सा तो प्रिपरेशन का टाइम मिला, कि अभी भी चल रहा है। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर टू एकदम बॉम्बिंग किया है, बॉम्बिंग हुआ है ना जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, लोगों की अवस्था क्या होगी, चाहे बच्चे हो चाहे युवा हो स्त्री हो, क्या होगी उस समय, कितना उनके ऊपर अफेक्ट किया होगा वो सिचुएशन। तो उस समय भी म्यूजिक को यूज किया गया, वो ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए, चाहे वो
सोल्जर्स हो या फैमिली वाले हो, म्यूजिक ने बहुत मदद किया हीलिंग में, उनको वो करने में। देखो, एक तो सोल्जर है वॉर फील्ड में, वो ट्रामा में है ही ऑलरेडी, उसकी मानसिक और शारीरिक कंडीशन वो है, लेकिन उसको आगे लड़ना भी है, छोड़ के भाग भी नहीं सकता, ये कंडीशन है, उसको फिर क्या सहारा रहेगा? म्यूजिक या फिर ऐसे कुछ वर्ड्स, वो प्रवचन देने से तो उसको वो नहीं भर सकते ना, उसके अंदर वो नहीं कर सकते कि भाई चलो आगे और लड़ो, थोड़ा सा और लड़ो, चलो कोई बात नहीं एक्सेप्ट कर लो, ये सब प्रवचन नहीं दे सकते। तो म्यूजिक ही उस समय उनको वो किया गया था, मोटिवेट किया था उनका मेंटल ट्रामा से बाहर आने के लिए, बॉडी इंजरीज से बाहर आने के लिए। ये मैंने थोड़ा सा आज रिसर्च किया, बहुत कम किया, ज्यादा नहीं किया, लेकिन ये सब बताने के लिए। और फिर स्टडीज अभी बहुत सारे डेकेड से, 4-5 डेकेड से म्यूजिक के ऊपर रिसर्च हो रहा है, स्टडीज हो रहा है, वो पता चल रहा है कि म्यूजिक से हार्ट बीट लोअर कर सकते हैं, जैसे कोई ट्रामा में होते या कोई गलत कंडीशन में होते, सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट बहुत बढ़ती है और बीपी बढ़ती है, लेकिन म्यूजिक के थ्रू उसको लोअर किया जा सकता है, हार्ट बीट है या फिर ब्लड प्रेशर है उसको बैलेंस किया जा सकता है, ताकि पेशेंट्स नॉर्मल कंडीशंस में आए। और म्यूजिक से आप सभी को पता है स्ट्रेस लेवल कम होता ही है, हम सभी यूज करते हैं म्यूजिक को अपनी स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। और न्यूरो साइंस में अभी 2-3 डेकेड से बहुत डिस्कवरीज हो रही है कि हेड इंजरीज के टाइम में म्यूजिक को यूज करते हैं, कि भाई उसको कैसे नॉर्मल किया जाए वो पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से पहले भी, मान लीजिए सर्जरी है या स्टिचेस डालना है, उसको नॉर्मल थोड़ा सा तो कर लाना पड़ेगा ना कंडीशन में, एकदम से वो एक्सीडेंट हुआ वो आया है एकदम से आप नहीं कर सकते, बॉडी की शुगर लेवल है बीपी है उन सबको नॉर्मल करने के लिए सबसे पहले म्यूजिक का यूज कर रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे थेरेपिस्ट यूज कर रहे हैं। और स्पीच थेरेपी, ये मेरे को आज पहली बार पता चला, स्पीच थेरेपी में भी स्पीच, किसी किसी को ठीक से बोल नहीं पाते बच्चे, या तो बचपन से ऐसा हुआ होता है बाय बर्थ, या बीच में कुछ इंसिडेंट होता है ना, हॉरिबल इंसिडेंट से भी उनकी स्पीच चली जाती, कोई कोई बोलना बंद हो जाता है, तो वो सब में भी म्यूजिक को यूज कर रहे हैं। हमारी न्यूरोन पाथवे, आप सभी मेडिटेशन में आए हैं, मेडिटेशन क्या करता है, न्यूरोन पाथवे बिल्डअप करता है ना, ये जैसे हमारी राइट ब्रेन है लेफ्ट ब्रेन है, उसमें एक एक पाथवे होता है, वो मेडिटेशन में वो पाथवे नया होता है, या फिर म्यूजिक भी उस हेल्प में काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी पद्मा जी ने एक बार लिया था आदि शंकराचार्य का, यही वो अभी सुन रहे थे ना हम, शटकम, निर्वाण शटकम, मैं रोज सुनती हूँ, पहले तो मैं 5-5 10 10 बार सुनती थी, लेकिन रोज एक दो बार सेम सुनती हूँ, क्योंकि ये छोटा सा है बड़ा सा भी है, 1 घंटे का सद्गुरु जी का, वो शिवरात्रि का है, 1 घंटा 10 मिनट चलता है, वो चला के बैठो आपको कुछ नहीं, आप जो काम कर रहे हो आराम से करो और सुनते रहो, इसमें मीनिंग तो सभी को पता है, मैं ये भी नहीं हूँ मैं वो भी नहीं हूँ, मैं केवल और केवल वो ईश्वर का अंश हूँ, या वो जो भी बोलते हैं ईश्वर ही हूँ ब्रह्म ही हूँ, नहीं तो हम मान के बैठे ना मैं शरीर हूँ, मैं बॉस हूँ यहाँ का, मैं लड़की हूँ लड़का हूँ, कि इतने सारे मान्यता उनसे ये सब बाहर निकलता है, ना मैं शिष्य हूँ ना मैं गुरु हूँ, वही है सब, और ना ही पांचों वो नहीं एलिमेंट्स भी नहीं हूँ, ना हवा हूँ ना पृथ्वी हूँ ना भूमि हूँ, ये उसमें यही है, तो मेरे ब्रेन में वो पाथवे बन चुका है, मैं गुनगुनाती भी हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को पूरा आता है रटा ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो चलता है इतना वो ब्रेन को काम इफेक्ट देता है। वैसे शंकराचार्य जी का बहुत सारे अलग भी है, वो भी अगर सुनते हैं तो वो बहुत सुंदर है, चाहिए तो मैम थोड़ा सा चला सकते हैं, ये केवल 6 मिनट्स का है, चला लीजिए तो अच्छा रहेगा, वॉइस नहीं आ रही है। जा
जाते हैं वो निर्वाण शतकम सुनने से। थैंक यू मैम। और जो जिन्होंने न्यूरो पाथवे के ऊपर रिसर्च किया, तो वो एक होता है ब्रेन में ऑडिटरी मोटर सर्कुल्स, हमें मालूम है ना नर्व सेल्स सर्क्यूट्स होते हैं जुड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया साउंड बीट और उसके मूवमेंट्स के ऊपर। जो जैसे कोई कोई मूवमेंट लेस होते हैं ना, किसी का क्या बोलते हैं कोमा में जाते हैं या फिर एक्सीडेंट के कारण, तो उन उसके ऊपर भी रिसर्च करके ये वो एस्टेब्लिश किया कि साउंड वेव्स के साथ अगर काम किया जाए म्यूजिक थेरेपी से, उसमें भी बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छे मिले हैं। और हमें पता ही है ओम चैंटिंग का तो रिजोनेंस, और बहुत सारे श्लोकास हम बोलने से कितना हीलिंग थेरेपी है, उसमें अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग मंत्र है ही हमारे धर्म में। जैसे बोलते हैं ना अभी राम जी का चल रहा था रामनवमी में, आरोग्य का मंत्र बोल रहे थे सभी, वो बस रामा रमेती रमेशा, वो 2-3 लाइंस का ही था, सभी में आ रहा था ये चैंट करो आपके आरोग्य के ऊपर बहुत वो करता है। जैसे लक्ष्मी जी का स्तोत्र बोलते हैं, मैम मंजू मैम तो बहुत सारे स्तोत्र रोज वो करती हैं, ललिता सहस्र नाम है ये है ना, तो सभी का अलग अलग वो बना हुआ है, रिदम बना हुआ है, वो अलग अलग अफेक्ट हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट में डलता होता है, प्रभाव करता है, तो हीलिंग होती है, चाहे हम किसी भी इसमें हम उसको उपयोग कर सकते, उसके ऊपर प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा या सिर्फ चैंट करने से नहीं होगा। बोलते हैं ना पत्री जी बोलते, आपको उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत मंत्र जाप करते बोलते हम इतना करते हमें कोई फायदा नहीं, ये भी सुना है, उसके अलाइन होना पड़ता है हमारी मन बुद्धि शरीर को। जैसे हम क्रिया योगा करते हैं उसके अंदर हमारी अलाइनमेंट नहीं, तो वो फिजिकल योगा हो गया, फिजिकली बेनिफिट हो सकता है लेकिन ऑल ओवर बेनिफिट नहीं होगा। अगर मेंटली या डिप्रेशन में है तो उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा उस मंत्रा के साथ, उसके मीनिंग के साथ, उसकी भावार्थ के साथ अगर हम अलाइन होते हैं तो फिर उसका बहुत सारे इफेक्ट्स पता चलते हैं। और मैंने रिसर्च आज सुना मैंने कि जैसे पेंटिंग का होता है या कविता का होता है, पोयम होता है, उसके लिए हमारी राइट ब्रेन रिजोनेट करता है, लेफ्ट ब्रेन क्या है, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम स्पीच दे रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, ये सब राइट लेफ्ट ब्रेन यूज करता है, लेकिन राइट ब्रेन ये क्रिएटिविटी का वो बोलते हैं ना, जैसे कोई पेंट कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई ये है, लेकिन म्यूजिक के ऊपर रिसर्च हुआ है ये दोनों ब्रेन्स को वो कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, दोनों ब्रेन्स की सेल्स इसके साथ रिजोनेट करते हैं और एक्ट करते हैं, उसके कारण हीलिंग बहुत फास्ट होता है। इसमें लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन ऐसा नहीं है, आप लोगों ने महसूस किया होगा, अगर किया होगा तो अपना एक्सपीरियंस बताएं। म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी बॉडी बॉडी की शरीर की अलग अलग पार्ट्स में कुछ होता है ना, कहीं जी मैम, हम जी अंदर मैम, से नाचने लगते हैं, हेलो है ना, अंदर से जी अलग अलग पार्ट में इफेक्ट होता है, नाचने लगते हैं, या कोई देखो अगर प्रेम भरे संगीत सुनते हैं वो हमारे हृदय को टच करता है, वीर रस के सुनते हैं तो हमारी बॉडी मूवमेंट्स होती नहीं, अभी पार्क में घूम रहे तो उस टाइप म्यूजिक, जैसे श्रेयांश डागा जी अपने उसमें करते हैं ना मेडिटेशन में अलग अलग म्यूजिक डाल देते हैं, जैसे गुरुवाणी का वो डालते हैं, उसमें अलग इफेक्ट होता है, वो फ्राइडे के दिन मेडिटेशन विथ वॉक करवाते हैं, उसमें अलग रिदम वाले डालते हैं, वॉक लाइक अ योगी, वॉक लाइक अ, उनके वर्ड्स वो भी तो म्यूजिक ही नाद ही हुआ ना, वो मोटिवेट करता है। जैसे मान लीजिए कहाँ पर सोल्जर्स के लिए अगर कोई गाना है तो फिर वो अलग गाना होना चाहिए, कदम कदम बढ़ाते चल, ऐसे हर चीज का अलग है। लेकिन मैम आप म्यूट हो, मंजू मैम कुछ बोल रही है, आप म्यूट हो। मैं कह रही हूँ बहुत इंस्पायरिंग एंड इतना पावरफुल होता है जो सोल्जर्स के लिए जो होता है ना, वो इसलिए हाँ कि उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी म्यूजिक एकदम अलग होती है। हाँ
बिल्कुल, मान लीजिए कोई म्यूजिक में पारंगत है, उसका म्यूजिक अलग होता है, वो बिल्कुल राग का, वो एक एक शब्द का, वो सारेगामा जो सरगम है सात स्वरों की, उसको बिल्कुल उसमें पिरोया हुआ होता है, उसी हिसाब से वो करते, वो म्यूजिक लवर्स को बहुत अच्छा लगता है, हीलिंग भी होती है, वो उसी में रमे रहेंगे, उनको बहुत आनंद मिलता है। और फिर मान लीजिए भक्ति में है, उनका अलग रस होता है ना, भक्ति में हम ये म्यूजिक, मैं मानती हूँ संगीत एक माध्यम है अभिव्यक्ति का, है ना, हम जो भी हम अभिव्यक्ति देना चाहे भक्ति के लिए हो, या फिर अगर मान लीजिए डांस कर कर रहा है कोई, म्यूजिक ही नहीं है, तो कैसा होगा, नहीं। होगा ही नहीं ना। डांस कर रहा है मीन, चाहे वो भरतनाट्यम कर रहा हो या वेस्टर्न डांस कर रहा हो, म्यूजिक इज ए पार्ट ऑफ इट, म्यूजिक और डांस एक साथ होता है, भले डांस के बगैर म्यूजिक सुन सकते, लेकिन डांस नहीं होगा म्यूजिक के बगैर, दोनों इनसेपरेबल है। ये मैंने आज विश्लेषण किया, रही है, इतना होता है, अच्छा हुआ आपने मुझे टॉपिक दी, नहीं तो हम इतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं ना, सुनते हैं बस उसको अनुभव कर लेते, लेकिन एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करना है। जैसे मेडिटेशन में अलग अलग म्यूजिक होता है ना, जैसे पत्री जी का आप वो सुनते हो बांसुरी, तो अलग वो हो जाती है, अगर कोई और बजा रहा है, वायलिन का है, हारमोनियम का है, वो अलग हमारे अंदर फीलिंग देती है, हर चीज का अलग है यहाँ पर, और कितनी साइंटिफिकली फुट है, ये हमने नहीं की ना, सृष्टि अपने आप हुई है, ब्रह्मनाथ तो अपने आप तैयार हुआ है, जैसे सृष्टि का प्रकृति हुआ, पेड़ पौधे जैसे हुए हैं, वैसे ही नाद अपने आप हुआ है, सरगम है, उसके ऊपर कितने लोगों ने रिसर्च करके उसको साइंटिफिकली, जैसे बोलते हैं ना राग भैरवी, इस सुबह उठ के गाओ तो वो अलग इफेक्ट होता है, राग हिंदोला है या कापी है, अलग अलग राग, अमृतवर्षिणी है, और आपने सुना होगा उसके उसमें राग मलार गा तो बारिश आ गई थी, बारिश हो जाती है। ने राग मलार गाया जो सूखा पड़ा था बारिश हुआ, और दीपक राग गाया तो दीप जल उठे, सारे भरे हुए थे लेकिन वो एकदम जल उठे, लेकिन उसके अंदर वो एनर्जी थी, वो गायक के अंदर उतनी साधना थी, उसके लिए तो बहुत साधना किया होगा, और वो जुड़ा होगा उस एलिमेंट के साथ, फायर एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा ना अंदर, हम लोग भी गाए मान लो, वो नहीं हो सकता, दीपक राग प्रैक्टिस करके गाए लेकिन नहीं हो सकता, लेकिन जैसे वो वाटर एलिमेंट की एनर्जी के साथ जुड़े होंगे, कितनी साधना की होगी, तो कितना म्यूजिक का मतलब अंत नहीं है, अगर हम बातचीत करते जाए कोई अंत नहीं है इसके साथ, हम घंटों घंटों बात कर सकते इस टॉपिक के ऊपर, और इसकी जो एक्सपीरियंस है वो तो अलग ही लेवल की है, ये तो हम शायद आज ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं। और एक मैं बोलने चाह रही हूँ इसमें, लैंग्वेज और स्पीच थेरेपी का तो मैंने बोला, वो भी इम्प्रूव हो सकता है इसमें, और एक है मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी, इससे एक तो अटेंशन, किसी किसी का अटेंशन नहीं होता ना, बच्चों का अटेंशन वो रहता है, डिफिशियंसी रहता है, वो ठीक कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन नहीं होता पढ़ाई में या फिर कोई काम कर रहे, वो ठीक हुआ है, और सोशियल बिहेवियर भी इम्प्रूव होता है ये म्यूजिक थेरेपी से। और यही है कि FMRI करके अगर देखा है बहुत सारे लोगों ने, टेस्ट होती ना उसके अंदर बिठा करते हैं, तो वो ये न्यू कनेक्शंस के साथ कैसे न्यूरॉन पाथवे होता है, न्यू कनेक्शन बिल्डअप करता है म्यूजिक के साथ अलग अलग तरीके से, वो सब रिसर्च करके ये करे हैं। जैसे मैंने ये थोड़ा बहुत वो किया है कि खुशी के मौके पर हम गाना गाते हैं, सभी माँ इसमें हाँ बोलेंगे, हाँ और जरूर। दुखी के मौके पे भी हम गाना गाते हैं, देखिए मुकेश के गाने कितने फेमस है, हम दुखी नहीं भी हो तो भी सुनते हैं, वो अपनी दिल को छूता है ना, वो मेरा नाम जोकर का है, वो राज कपूर का गाना है ना, आजकल के जमाने में मुकेश जो है वो अरिजीत सिंह है, तो वो दुखी गाने के खुशी के भी हैं पर दुख के भी बहुत गाने हैं। जैसे मान लीजिए हमको प्रेम को अभिव्यक्त करना है तो भी म्यूजिक का सहारा लेते हैं, इजीएस्ट वे है, कोई ये नहीं बोल सकता मैं तुमसे प्यार करता हूँ एकदम से,
बोल नहीं पाएंगे, लेकिन म्यूजिक इजिएस्ट वे कि इसको अभिव्यक्त करने के लिए, बोलने के लिए, कि भाई आराम से सामने वाला समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो समझ जाए। हाँ है कोई भाषा ना। नहीं। और ये है कि बच्चों को सुलाते वक्त करते हैं। और गांव में देखिए, चावल पीसते थे, गेहूं पीसते थे, वो गोल वाला था, ऐसे गाने गाते थे, जीवन की उसमें वो होता था, उसमें रस मीनिंगफुल होती थी। अभी तो हम आए हैं क्या बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उस स्पिरिचुअलिटी की एक एक शब्द होते थे हमें कन्नड़ में। मैं छोटी थी तो मेरे भैया गाते थे, अभी तो लुप्त तो हो रही है वो सब गाने की, भाई ऐसे ऐसे गाने की स्पिरिचुअलिटी भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो गांव में गाते थे। और फिर आपने देखा होगा खेत में धान बोते हैं बहुत सारे लोग भी, हाँ वो हाँ लोग भी हरियाणा में भी गाते हैं, पंजाब में भी गाते हैं, बिल्कुल साउथ सब में, जगह सब अपने अपने लैंग्वेज में गाते हैं। बहुत मतलब सही। संगीत सब में समा हुआ है, उसके लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं। सोचते हैं अरे मैंने तो संगीत सीखा नहीं है, मैं कैसे गाऊं, इसके लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर वो भाव उठे तो आप गाओ, इसे कोई भक्त नहीं सोचते ना। मंदिर में भजन गाते वक्त कोई भक्त नहीं सोचेगा, वो तो दिल खोल के गाएगा। अगर सोच रहा है मतलब वो अभी ब्रह्म स्थिति में, ब्रह्म स्थिति को नहीं जाना है। शर्माते हैं अगर उन्होंने सुना तो वो क्या बोलेंगे, इनके सामने हम कैसे गाएंगे, ये तो इतने अच्छे सीखे हुए। लेकिन भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए कोई जरूरत नहीं है, है ना। इसमें तो आराम से आप गा सकते हो। और फिर वही है कि भक्ति के लिए और ज्यादा सशक्तिकरण मुझे नहीं पता गाने से ज्यादा। संगीत एक ये है कि भक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम, जैसे हमारे यहाँ तो कितने कितने श्लोकास है, अनगिनत श्लोकास है। आप चाहे कृष्ण के लिए गा सकते हो, या फिर राम के लिए, देवी माँ के लिए, सभी के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण मेरे को आज ये लगा, मैं विश्लेषण कर रही थी, महाभारत में कृष्ण ने जो दिया अर्जुन को, उसका भी नाम गीता ही रखा है। कुछ और भी रख सकते, लेकिन गीता क्यों रख, वो उसी माध्यम से, उसी रिदम से उन्होंने बोला है। सभी लोग देखो आड़े टेढ़े नहीं बोलते हैं गीता को, उसी रिदम के साथ बोलते हैं। अगर दो लाइन भी बोलते हैं ना, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्योंकि वो उसी रिदम में याद रहेगा, नहीं तो याद भी नहीं रहेगा। जैसे पद्मा जी हमें समझाती थी गीता, वो उसी से उसको छेद, वो विच्छेद करके, संधि विच्छेद करके समझते थे, फिर उसी इसमें हम वाइब करें, फिर वो भूलेंगे नहीं। तो ये इतना कुछ आज थोड़ा सा बोलने का हुआ। और मैं ये बोल रही थी, एक रिलीफ वाला है, एक तो हीलिंग पार्ट है ही, और रिलीफ देता है। हम कोई भी कंडीशन में हो, चाहे अस्पताल में कोई बेड रिडन है, अगर गुनगुनाएंगे तो उससे बाहर आएंगे। जैसे मेरे को याद है हमारी सरश्री, हमारे गुरु बोलते थे, आपको देखो उस कंडीशन में जीवन तो बिताना है। जैसे मान लो छोटा बच्चा हुआ है घर में, कितने काम होते हैं, बच्चे को फीड करना होता है, वो बार बार शुशु करता है, कपड़े धोने होते हैं, या फिर उसके लिए खाने का, मान लो उसकी माँ के लिए खाने का होता है, और बच्चा रोए तो लेने का, और रात भर नींद। लेकिन मेरे सरश्री बोलते थे ऐसे कोई भी कंडीशन होता है, मान लो डेथ हुई है किसी के, या तो आप गुनगुनाओ या फिर कुनकुना के भी, तो क्या चूज करोगे आप? गुनगुना कर बिताएंगे तो हमारे हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा। अगर गुनगुना कर उस समय को बिताएंगे, हेल्थ मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम सबको गुनगुनाना बहुत जरूरी है। और अब आप लोग मुझे एक-एक करके बताएं, आप कब कब गाना गाते हो, फेवरेट गाना भी गा सकते हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। मैं क्या अच्छा। बोलूं आज। और वैसे मैं थोड़ा सभी तो बोलेंगे ही, लेकिन एक और जो गाना है वो हम बाद में बजाएंगे, पर फेवरेट गाना का जो बात बोली है, तो ये जो कई सारे गाने हैं जो मुकेश के या किशोर कुमार के, या मुझे सारी बातों में ये लगा कि देखिए भगवत गीता, सॉन्ग ऑफ लॉर्ड, ऐसे दूसरा जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इसमें
जैसे कि बहुत सारा विचार आ गया, जो आपने बोला ना कि ऑल्टरनेट, जो दुख में सुख में परिश्रम करने में, वहां पर गीत कोई भी गाना उस वक्त चल जाए वो अपने मूड को बिल्कुल चेंज कर देता है। बिल्कुल इसीलिए वो थेरोपिटिक आप बोल रहे हैं या थेरेपी में बोल रहे हैं, या जो बोल नहीं पाता उसको गाने से उसकी वो गला खुल जाती है। तो आपने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स, मतलब मुझे लगता है कि आपने बहुत रिसर्च की है और बहुत अच्छे से आपने समझाया। लेकिन और लोग भी बोले, मधुले जी और पल्लवी, थोड़ा कुछ बताएं, आपको कौन सा गाना अच्छा लगता है? बहुत अच्छे से आपने समझाया। म्यूजिक छेड़ दी तार, सच में हम दिन की शुरुआत म्यूजिक से ही करते हैं मैम। चाहे वेरी खुशी हो, चाहे खुशी हो या गम हो, म्यूजिक आ ही जाता है। फिर मैं तो सुबह जब भी खुश होती हूँ तो अच्छा अच्छा गाना आता है दिमाग में, नहीं तो जब भी दुखी होती हूँ तो वो सैड सॉन्ग्स होते हैं ना मैम, वो आ जाता है। और सुबह उठ के टीवी में तो लगा देता, आजकल तो बोलने की भी जरूरत नहीं, भजन लगा देते हैं टीवी में, बहुत सुंदर सुंदर गाने आते हैं, वही सुनते रहते हैं। और ये तो हमारे, जैसे आपने बताया, बचपन में इतना एडवर्टाइजमेंट और टीवी में ऐसा हमको गाने की तरह याद करवाते थे कि अभी तक भी याद है। जैसे कि अभी हम महाभारत एक सीरियल था, जाता था मेरे बचपन में, उधर से वो ये जो ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बोलूं? जी मैम, जरूर बोलती हूँ, ये पूरा मुझे याद ही रह गया था, बोल देती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। ये पूरा याद ही रह गया मैम, इतना आता था टीवी में। बहुत अच्छा। हाँ, और मेरे को बहुत गूज बम्स हो रहे हैं ये सुन के ना, क्योंकि पूरे वो आपने बोला ना कि शरीर के किस किस भाग में, और ये गाना इतने मतलब कैसे गाया है और इतने याद दिला दिया, इसको सुनकर ही ऐसे चार्ज अप हो जाते हैं। मैम वो पूरा अच्छा लगता था। और एक कार्टून भी था हमारा मैम, मोगली, जंगल जंगल बात चली है, जंगल पता जंगल चला बात चली है दो भाई, वो भी याद है मैम, वो भी। और रामायण का भी कथा सुनाओ, वो भी, वो तभी आ गया, रिफ्रेश हो गया मैम आपने जो भी बोला। और बच्चों के बारे में भी, मुझे छोटे बच्चों को गाना सुनाने से वो चुप हो जाते हैं, ये तो सच है। जितना भी रो रहे होंगे, माँ के पास आके लोरी सुन लेंगे या नानी के पास का लोरी, उनको चुप्पी करवा देता है। सबका एक एक पर्सनल लोरी होता है मैम, वो अपने आप क्रिएट करते हैं मम्मी लोग, मैंने भी क्रिएट किया है सुनाइए कभी मैम। वही मेरी हाँ, वो उड़िया में है मैम, आपको तो नहीं उड़िया में आता सुना है, म्यूजिक वो और भाषा का क्या है। जब भी वो सुन के ही सो जाते, बच्चे रात में तो यूजुअली सोते नहीं थे, तो वो गाना सुन कान में पड़ते ही वो पूरा सो जाते। मैं तो गाई थी, थोड़ा दो पंक्तियां सुनाती हूँ मैंने अपने को दिल लिखा है। निदो माऊसी पख कुआसी, मो सुना धनो कु मो तोरा ममा कु सुआई दे लो। निदो माऊसी पख कुआसी, मो सुना धनो कु मो गोली ममा कु सुहाई दे लो। इतना ही मैम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ये सुन के वो सो जाती थी मैम, पूरा ही हाथ सुंदर। में एक आधा घंटा तक यही मुझे गाना पड़ता था मैम, तब जाके वो सोती थी मेरी बेटी। आप गाना अच्छा बहुत गाते थे अच्छी तो वो सुनती रहती थी, फिर बाद में सोती थी। अगर मैं ऐसे एक जोक है कि वो बच्ची को सुला रही थी तो वो उसको गाने नहीं आता था तो तुरंत से सो जाती थी, बोले देखो मेरा लोरी कितना अच्छा है, बोले नहीं तुम्हारा लोरी अच्छा नहीं, तुम्हारा गाना खराब है, तुरंत से सो जाती थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना सब भी बोला, अभी बहुत थेरेपी अच्छा, में भी बहुत हूँ। रिसर्च किया है मैम आपने सचमुच में। यस मैम,
सभी म्यूजिक एक्चुअली हम मेडिटेशन में भी यूज करते हैं, हम सभी थेरापी में भी यूज करते हैं, स्पीच थेरापी अभी कोमा के पेशेंट के में भी यूज होता है, ये सभी हमको यूज करना चाहिए डेली लाइफ में। म्यूजिक चाहिए मैम, सुबह उठो म्यूजिक सुनो, मेरा तो ये मानना है, दिन अच्छे से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह की शुरुआत ही जो है म्यूजिक से होती है ना, गणेश स्तुति और विष्णु सहस्रनाम, और सबकी म्यूजिक कितनी सुंदर है, उनको इतने सुंदर ढंग से गाया हुआ है कि वो जहन में बैठ जाता है, लगता है कि अगर नहीं वो करो तो दिन इनकम्प्लीट लगता है, मतलब आगे आगे ऐसा लगता है से बढ़ेगा ही नहीं। मैं जी तो मैम, मैम इसलिए बोलिए जी। नमस्ते मैम, थैंक यू मैम, नमस्ते। बहुत अच्छा आपने म्यूजिक के बारे में बताया कि हम, सच बात है, हम जीवन के हर हर एक कदम में म्यूजिक के साथ हमको जाना है, कहाँ बिना म्यूजिक के हमारा कोई जीवन में ये नहीं है। जैसे आपने बोला कि दुख होने से भी हम म्यूजिक में कुछ गा के अपने मन को हल्का करते हैं, सुख होने से भी परिश्रम करते हैं, जैसे कि हम घर में भी काम करते हैं, शादी ब्याह में भी, जब हमारे गुजराती में भी ऐसे रीजन है कि शादी का जब शुभारंभ करते हैं तो पहले दिन मूंग साफ करते हैं, उसमें मूंग उसी के लिए सबको बुलाते हैं और उसमें हम लोग गाना गाते हैं, उसमें लड़के लड़की के नाम और सब समधी समधन के नाम ऐसे लेते हैं, और ऐसे यहाँ तक कि जब शादी होता है तो सामने वाले परिवार को हम कुछ ताना देते हैं तो वो भी गा के देते हैं, हमारे गुजराती में उसको फटाने बोलते हैं, और बहुत अच्छे से देते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमको जो कहना है कि समधन हमारी मोटी है, कि समधी हमारे ऐसे हैं टकले हैं, उस टाइप से गाते हैं, इतना मजा आता है और उसमें कोई बुरा भी नहीं लगाता है, इतना एंजॉय करके गाते हैं, वो हमारे इसमें भी है। और अध्यात्म के लिए भी जैसे भाषा है, आपने कहा कि गीता, भगवान ने उसका नाम गीता रखा, तो गीता भी सही है, हर हर आप चाहे साउथ से हो कि नॉर्थ से हो, जहां से भी हो, उसका श्लोक का प्रोनाउंसिएशन एक समान ही है, वैसे ही गाया जाएगा, आपके ओरिजिन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, लेकिन उसका बोलने का जो सिस्टम है वो हर जगह समान ही है, पूरा ऐसे संस्कृत ही है। और बचपन में आपने ले गए तो मैं भी एक एक पोयम सुना दूं, जो हम छोटे थे तो वो जो संडे मंडे याद करने के लिए एक पोयम था, मैं अपने बच्चों को भी मैं ये पोयम के साथ जल्दी जल्दी याद हो गया ऐसे सुनाई थी, हमारा एक पोयम था, सोलोमन ग्रैंडी बोर्न ऑन मंडे, क्रिश्चन ऑन ट्यूसडे, मैरिड ऑन वेनसडे, टू किल ऑन थर्सडे, डाइड इन फ्राइडे, वो हम लोग ये पोयम से ही वो संडे मंडे पूरा सीखे थे, आपने याद करवा दिया आज बचपन के दिन, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा से आपने समझाया कि जीवन में हर जगह हमको म्यूजिक का कितना महत्व है, सही है, थैंक यू मैम, मैं यही करना चाहूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम, बस मैं आखिरी एक लाइन छूट गया था, जैसे अगर आप म्यूजिक से जुड़े हैं आप जीनियस भी बन जाते हो, क्योंकि दोनों ब्रेन इकट्ठे काम कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट, अदरवाइज क्या होता है, जो सीरियस पर्सन है उनका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, जो क्रिएटिव पर्सन है उसका राइट ब्रेन ज्यादा काम, लेकिन म्यूजिकल पर्सन है जो म्यूजिक सुनता है, ऐसा नहीं कि सीखना जरूरी है लेकिन म्यूजिक सुनता है, तो रिसर्च के इसमें पता चला है कि वो जीनियस होते हैं, क्योंकि देखिए उनको आपने देखा होगा कहीं भी, जैसे अब अभी पूर्णिमा की म्यूजिक मेडिटेशन होता है, वो लोग बजाते हैं मृदंगम बजाते हैं या सर पत्री सर बांसुरी बजाते हैं या तबला बजाते हैं, वो लोग नोट लिख के थोड़ी रखते हैं, है ना, वो बजाते हैं, उनको नोट्स कैसे याद रहता होगा, कितनी प्रैक्टिस की होगी, वो नोट्स कहाँ से क्या, मान लो किसी ने ऑडियंस में बोलता है ये सुनाओ, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो सुना देते, वो राग का है ये, तो उनकी ब्रेन जीनियसली काम करने लगता है, तो फिर वो दूसरे फील्ड में भी वो जीनियसनेस यूज होता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ म्यूजिक में ही होता है, जीनियस है तो जीनियसनेस है ही, तो फिर वो पढ़ाई में चाहे खेल कूद में चाहे घर के काम में ऑफिस के काम में या फिर हमारा प्रचार प्रसार है मेडिटेशन का, इन सब में स्पिरिचुअलिटी में भी वो एनहांस होता है, तो ये लिखा था ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हम सभी को म्यूजिक प्रमोट करना चाहिए, बच्चों को भले सिखाना बिल्कुल चाहिए
थोड़ा बहुत कि भाई सीख लो तुम, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। जैसे मान लो दुख हो गए तो तुम गुनगुना तो सकते हो, किसी से मन मुटाव हो गया थोड़ा सा मुंह से कुछ कुछ, भले डांट ही निकालना हो, जैसे मैम ने बोला ना, वो हम संबंधी को भी हम बोलते हैं तो वो गाना सुना के ही सुनाते हैं। उसमें देखो हल्दी होती है गाने से, मेहंदी होती है गाने से, जी सबका अपने लैंग्वेज में है, हरियाणा के, राजस्थान के, गुजरात के, पंजाब के, सबके अपने लैंग्वेज में ऑलरेडी है। कोई उसमें संगीत सीख के नहीं आया, लेकिन एक दूसरे से, नानी से, दादी से, चाची से आया हुआ ढोलक लेके बैठ जाते, और वो कितने, वो पढ़े लिखे भी नहीं होते लेकिन इतना अच्छा गाना सुनाते, इतना अच्छा वो सुनाते हैं ना। और फिर देखिए लास्ट में विदाई होती है लड़की की, तब भी गाने का ही वो भी गीत है गाना। हाँ वो भी वो गाना। गाने, तो मैं आंसू आते हैं, वो गाने से ही फिरोया है। कितना अच्छा लगता है कि भाई विदाई भी गाने से ही हो रही, ताकि वो लड़की भी अपने दिल में उस बात को लेकर जाए, है ना। ये है, तो बस इतना ही है। धन्यवाद आप सभी का। आप सबने मंजू मैम ने गाना सुनाएगी, अब आप ओहो भले 4 लाइन सुनाओ, आपका सुनना चाहेंगे ये गाना वैसे अन्नपूर्णा जी को शायद अच्छा लगता हो इसलिए शेयर किया होगा, लेकिन ये मेरे फादर का फेवरेट गाना है, और मैं कई लोगों से भी सुन चुकी हूँ कि भाई ये उनका फेवरेट गाना है। तो मैं पूछती हूँ कि भाई ये मधुमति फिल्म क्यों, मतलब क्यों आप लोगों को अच्छी लगती है, मतलब क्यों अच्छी लगती है। तो वो बोलते हैं कि इससे पहले जो गाने होते थे उसमें जो है ज्यादा दुख का या ज्यादा मतलब किसी चीज भारीपन का एहसास होता था, ये गाना जब आया या मधुमति के जो गाने आए तो उसमें एक हल्कापन, खुशी, ये व्यक्त हुई। तो हर एक जो एरा में है उसका म्यूजिक आप बिल्कुल आजकल का, जैसे वो सिंथेटिक एक होता है ना इलेक्ट्रॉनिक, उससे आप समझ लेते हैं ये अभी 2020 के गाने हैं। तो उस समय ये जब ये गाने आए तो तब उसमें खुशी का एक माहौल सा आ गया। आप देखेंगे जब मतलब 1950 में, 1960 में भारत में जब मतलब पूरा वो इंडिपेंडेंस आ गया, तो उससे पहले के गाने आप देखेंगे कितने दुख के गाने थे, चाहे वो रोमांटिक गाने थे लेकिन उसमें दुख का भाव झलकता था। बाद में जब गाने आए तो धीरे धीरे, जब राजेश खन्ना का गाने आए तो उसमें दुख मतलब सुख मतलब खुशी का आभास होने लगा। ये भी मैंने बहुत जाना जब मैं यूएस गई, तो तब इस बात को जाना कि वहां का जो म्यूजिक है ना, जैसे 60s का म्यूजिक, वो जो रोल एंड रॉक एंड रोल, रोल रॉक ऑफ एंड रोल, इंडियन, तो रॉक एंड वो रोल। हाँ, और हिप्पी गाने, हिप्पी वाले गाने, तो हाँ उस तरह के गाने डिस्को। फिर वो हमारे इसमें भी आए, फिर वो हमारे भारत में भी आए। और अब क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अलग एक तरीके से आजकल के बच्चे वही सुन पाते हैं, वो ये पीछे का नहीं सुन पाते क्योंकि वो उसमें ट्यून्ड होते हैं। तो वो मुझे कभी कभी धीरे धीरे सीखना पड़ता है कि भाई उसमें भी मधुरता है। तो लेकिन ये मैंने जरूर जाना है कि हर एक जो होता है ना अपनी एक म्यूजिक की मेमोरी होती है, ये मैंने कब सुना था, मैं कार में जा रही थी तब वो टेप लगाया था, तब ये, या रेडियो में आया था, तब तो मम्मी हम लोग रेडियो में सुनते थे पुराने गाने, तो वो हाँ भी एक मेमोरी होती है कि मैंने किसके साथ ये गाना सुना था। वो भी एक होता है ना, जैसे खाने के साथ होता है कि ये उसकी शादी में खाया था, तो उसी तरह म्यूजिक का भी होता है कि मैंने तब सुना था ये ऐसे। मैम, ये हमारे लिए ओल्ड क्लासिकल फिल्म म्यूजिक थी। हम जब छोटे थे 10th या 9th में, ओल्ड क्लासिकल, क्योंकि वहां तो कन्नड़ ही मूवीज आते थे, लेकिन हफ्ते में एक एक दिन एक एक ओल्ड क्लासिकल म्यूजिक, ओल्ड क्लासिकल फिल्म आते थे हिंदी का, और हम बहुत डरते थे पापा से फिल्म जाने के लिए पूछने। बिल्कुल वो मना नहीं भी करे, हम डरते जाते थे, 2 दिन लगाते थे पूछने में। तो ये फिल्म देखा था हम थिएटर में जाके, क्योंकि वो मॉर्निंग टाइम होता था, हिंदी है तो अलग टाइमिंग, और एक दिन एक फिल्म, वो मिस किया तो मिस किया। तो हमने ऐसे बहुत सारे मधुमति ये सब देखे, तो बहुत उस समय वो छाप लग गया था कि नहीं, ये वर्डिंग्स और म्यूजिक, पीछे सीन भी वैसे ही है ना, तो अफेक्ट करती है वो अपने पूरी माइंड को कि वो बहुत खुशी का। तो ऑप्टिमिस्टिक सॉन्ग है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, दिल यस, को खुश करने वाला। चलिए अब मैडम का सुनते हैं। चलिए।
अभी दिमाग में आ गया, वो गा दे रही हूँ, पता नहीं कैसा होगा। नो जजमेंट मैम, डिवाइन म्यूजिक। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा जियरा। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। सिरिंचिम ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। सांवरे सलोनी घटा जब जब छाई, सांवरे सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों से नैना गई, नींद आना आई। ओ सजना बरखा बहार आई, रसी की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना वाह, ये तो मैम बहुत बहुत ही क्लासिक गाना है, मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल है ये गाना। लता बहुत मंगेशकर का है ना? मुश्किल। हाँ हाँ परख परख पिक्चर का था, हाँ उसमें साधना थी, तो हमको ये हम लोगों के समय का गाना था, जैन में आ गया। बहुत ही मतलब उसमें ऊपर नीचे पर, लेकिन आपने बहुत सुंदर तरीके से गाया, बहुत अच्छा। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। धन्यवाद अन्नपूर्णा जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम। यू, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं 4 बजे जी जी मैम।